कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, WHO ने भविष्य में हालात और बिगड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। खास बात यह है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में नए सब वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। साथ ही संगठन ने 5 इमरजेंसी के लिहाज से 5 बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गेब्रियोसिस ने कहा, इस महामारी ने हमें पहले भी चौंकाया है और दोबारा भी चौंका सकती है। WHO ने चेताया, दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटना बनी हुई है जो दुनिया की आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत और काफी मजबूती से असर डाल रही है। WHO की सलाह। संगठन की तरफ से महामारी के खत्म करने के लिए 5 बातों पर जोर देने की सलाह दी गई है। इनमें कोविड के वेरिएंट्स की ट्रैकिंग, मरीजों के इलाज के लिए बढ़ती मेडिकल क्षमता, टीकाकरण, सस्ते इलाज तक लोगों की पहुंच और महामारी के खिलाफ तैयार रहने के लिए मजबूत वैश्विक ढांचा शामिल है। संगठन ने कहा है कि कोविड-19 अभी भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है जो WHO का सर्वोच्च अलर्ट स्तर है। ये घोषणा आने पर महामारी शुरू होने के बाद से साप्ताहिक मौतों की संख्या लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम आपातकालीन समिति ने पिछले सप्ताह अपनी तिमाही मूल्यांकन बैठक के बाद बुधवार को कहा कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में गिरावट के बावजूद और साप्ताहिक मौतों की गिरती संख्या, कोविड-19 से होने वाली मौतें फिर भी श्वसन वायरस की तुलना में अधिक हैं।